हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्स्ट्रा ज्ञान में कि हम IRCTC की वेबसाइट से यानी कि रेलवे की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा www.irctc.co.in। इस वेबसाइट को आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को अपने एड्रेस बार में डालेंगे, इस तरह का कुछ पेज आपके सामने आएगा। इस पर आपका यूज़र आईडी बना होना चाहिए। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करके एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे आपका नाम और यूज़र आईडी के बारे में वो पूछेगा, उससे आप अपना यूज़र आईडी बनाएंगे। यूज़र आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद इस बॉक्स में जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि अभी लिखा है SNH2F, ये हम करेंगे और इसके बाद में आप करेंगे लॉगिन। कैप्चा है हमारा CYRTH9। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हम इस वेबसाइट के अंदर होंगे। इस वेबसाइट पर अगर आपके पास पहले से कोई टिकट बुक्ड है तो आप उन टिकट्स को प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहां पर आएंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आप अपने बुक्ड टिकट हिस्ट्री में जाएंगे। वहां से आपने जितने भी टिकट्स बुक करके रखे हैं वो आपको दिखाई देंगे। प्रिंट टिकट से आपने जितने भी टिकट्स पहले से आपके हैं जिसे आपको प्रिंट करना है आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ पूछेगा, तो जिस भी लैंग्वेज में आप टिकट को प्रिंट करना चाहते हैं आप वहां से इसे प्रिंट कर सकते हैं। कोई टिकट अगर आपके पास पहले से है या बुक होने के बाद आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो इस कैंसिल टिकट पर जा करके आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए आपको इस विंडो पर जाना है। यहाँ पर है फ्रॉम स्टेशन, जिसमें आपको अगर स्टेशन का नाम पता है, कोड पता है तो आप वो डालेंगे, अदरवाइज आप नाम लिखेंगे तब भी आपके ड्रॉप डाउन में लिस्ट आएंगी। जैसे कि हम एक टिकट बुक करते हैं बेंगलोर जाने के लिए, बेंगलोर से भोपाल तक का, तो भोपाल के लिए लेट से मेरे पास है भोपाल। डेट ऑफ जर्नी हम सिलेक्ट करेंगे कि मुझे कब का टिकट चाहिए, लेट से 12th जनवरी। किस टाइप का टिकट मुझे चाहिए, ई टिकट यहाँ पर आप हमेशा रखेंगे और आप करेंगे इसे बुक, सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे उस तारीख पर जो हमने यहाँ पर रखी है 12 जनवरी 18, इस डेट पर बेंगलोर से भोपाल जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी ट्रेन्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये आपका ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम और भोपाल पहुंचने का टाइम, अराइवल टाइम ऑफ भोपाल का, कितना किलोमीटर्स का जर्नी है और कितना टाइम लगेगा, तो इस तरह से आप यहां से इसे देख सकते हैं। यहां पर आपके पास डिफरेंट कोटाज हैं, लाइक जनरल कोटा, प्रीमियम कोटा, फिजिकली हैंडीकैप, लेडीज या तत्काल कोटा, तो किस कोटे में आप टिकट बुक करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है, लेट्स से कर्नाटक एक्सप्रेस, ये कर्नाटक एक्सप्रेस में ये बता रहा है कि किस किस डेज पर ये गाड़ी चलती है। जिस पर राइट लगा है इसका मतलब कि इस दिन पर यह गाड़ी हमारी चलती है। जैसे संपर्क क्रांति की अगर बात करें तो संपर्क क्रांति के लिए ट्यूसडे को लगा है क्रॉस और थर्सडे को लगा है क्रॉस, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे के दिन ये वाली गाड़ी बेंगलोर से भोपाल के लिए नहीं चलती है। इसके बाद में क्लास, तो कर्नाटक एक्सप्रेस के लिए इस क्लास में लिखा है फर्स्ट ए, इट मीन्स फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर, तीनों ही तरह के कोच इसमें होते हैं, जबकि राजधानी सिर्फ एसी गाड़ी है जिसमें 1A 2A 3A एसी कोच हैं, तो तीनों तरह के आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो किस तरह का आप क्लास प्रिफर करते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कर्नाटक एक्सप्रेस की बात करते हैं, कर्नाटक एक्सप्रेस के स्लीपर वाले अगर मुझे टिकट देखना है तो मैं स्लीपर वाली क्लास पर क्लिक करूँगा। तो इस कर्नाटक एक्सप्रेस के लिए जिसके लिए हमने देखा था, इस स्लीपर वाले क्लास के नीचे आ गया अंडरलाइन हाइपरलिंक, क्योंकि हम स्लीपर वाली क्लास को देख रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर आ गया है कि
कि इसका स्टेटस क्या है, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख से लेकर के उस पूरे वीक में जब जब ये गाड़ी चलती है उसके बारे में यहाँ पर आ गया, जिसमें दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर है वेटिंग, वेटिंग 258 है, 13 तारीख को वेटिंग है 134, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें फेयर भी दिखाता है कि कितना बेस इसका फेयर है, रिजर्वेशन चार्जेस क्या है, सुपर फास्ट चार्जेस क्या है, तो टोटल फेयर बैंगलोर से भोपाल तक का है हमारा 675 रुपीज़। तो अगर हम इस स्लीपर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभी 675 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर मुझे देखना है कि थर्ड एसी का स्टेटस क्या है, तो हम यहाँ थर्ड एसी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब मुझे इस गाड़ी में ही कर्नाटक एक्सप्रेस में ही वो एसी का स्टेटस दिखाएगा, जिसमें कि 12 तारीख को जिस जो कि हमने डेट प्लान करी है उसमें वेटिंग दिखा रहा है 58। तो वैसे ही आप अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग ट्रेन के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है। तो अगर मुझे जैसे अवेलेबल मिल रहा है 15 तारीख का, पर मैंने डेट ऑफ जर्नी यहाँ पर लिखी थी 12/1, तो अगर इस 12 तारीख को मैं जाना चाहता हूँ लेकिन ये वेटिंग है, पर 15 तारीख को मुझे टिकट अवेलेबल मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ से बुक कर सकते हैं। इसका मेरा फेयर है 4480 रुपीज़, मैं इस पर करूँगा बुक नाउ, जिस डेट के लिए मुझे बुक करना है। जैसे हम बुक नाउ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ट्रेन लिखी हुई आ गई है, ट्रेन का नाम आ गया है, जर्नी की डेट आ गई है, क्लास लिखा हुआ आ गया है, कोटा लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि हम अभी जनरल कोटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप पैसेंजर का नाम डालेंगे, लेट से अमित जैन एक पैसेंजर हैं, इनकी एज 45 ईयर्स, जेंडर आप यहां से सिलेक्ट करेंगे मेल, बर्थ प्रेफरेंस अगर कुछ है अपर लोअर केबिन, तो जो भी आपका बर्थ प्रेफरेंस है आप यहां पर डालेंगे, लेट से कि अपर। सीनियर अगर सिटीजन होंगे जिनकी एज 60 या उससे प्लस होगी, तब आपके लिए ये वाला टैब इनेबल होगा, जिसमें पूछेगा कि ये सीनियर सिटीजन का कंसेशन आप ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर ये एज आपकी 60 से बिलो है जो हमने यहाँ पर इस पैसेंजर की डाली है, तो ये टेब आपका कभी भी इनेबल नहीं होगा। नेशनलिटी और आईडी कार्ड, अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड है और तो आप यहाँ पर उसे डालेंगे, ये हमें जरूरत पड़ेगी तब जब हम सीनियर सिटीजन कंसेशन के लिए ऑप्ट करेंगे। इसके बाद यहीं पर ही जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सभी का डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर कोई चिल्ड्रन है जो बिलो 5 ईयर्स के हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर उनकी एंट्री भी हमें करना पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बिलो 5 ईयर्स के लिए आपके जो चिल्ड्रन है उनका टिकट इशू नहीं होगा, पर उसका फेयर भी नहीं लगेगा। लेकिन ये रेलवे के लिए जानकारी है कि आप कितने बच्चे अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं इस सफर पर। इसी विंडो में यहाँ पर आपके पास और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि टिकट बुक तभी हो जब कंफर्म बर्थ्स अलॉट हो रही हो। अगर आप इसको चेक करते हैं, तब आपका टिकट तभी बुक होगा जब यहाँ पर कंफर्म बर्थ्स आपको मिलेंगी। अगर ये अनचेक है, तो अगर कंफर्म बर्थ नहीं है तब भी आपको टिकट वो अलॉट कर देगा। तो ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटीज हैं कि आप किस तरह से टिकट बुक करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ और ऑप्शन हमारे पास हैं कि बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच। अगर आपके पास मल्टीपल पैसेंजर्स हैं तो बुक टिकट तभी हो जब वो एक ही कोच मिल रहा हो। तो अगर आप इस तरह के कुछ प्रेफरेंसेस चाहते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरह के कुछ ऑप्शंस को ऑप्ट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एक और है कि बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज अलॉटेड। कम से कम एक लोअर बर्थ अगर मिले तभी टिकट बुक हो, या कम से कम दो लोअर बर्थ अलॉटेड तभी बुक हो। साथ ही साथ रेलवे आपको एक और चीज़ देता है कि आप यहाँ पर अपने खुद के पसंद का कोच भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि मुझे किस कोच में चाहिए। जैसे अभी तो हम फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई कोच हमें लिखना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप स्लीपर की बात करते हैं, तो S1, S2, S7, S11 जितने भी आपके कोच हैं, अगर आपके कुछ प्रीफर्ड कोच है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पर ये डालना मैंडेटरी नहीं है, ये आपके लिए एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका टिकट जो है वो बुक होगा। नाउ ट्रेवल इंश्योरेंस, आप चाहते हैं या नहीं, उसके लिए आपको यस एंड नो करना पड़ेगा। देन जीएसटी की डिटेल्स, दीज आर ऑप्शनल डिटेल्स। और जब आपने पैसेंजर की डिटेल्स डाल दी और जो भी एडवांस आपको देना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद
आप इस जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है USNDOE, जैसे मैं इस कैप्चा को डालूंगा उसके बाद में हम करेंगे इसको नेक्स्ट। यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर भी डालना रहेगा। ये डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो रेलवे आपके बताएगा कि आपने किस ट्रेन के लिए, किस डेट के लिए, किस क्लास के लिए टिकट बुक करना है, कौन से स्टेशन से आप चलेंगे, कौन से स्टेशन तक आप जाना चाहते हैं, पैसेंजर के नाम क्या हैं, एज वगैरह जो भी आपने पहले वाले फॉर्म में फिलअप किया था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आएंगी। और इस समय अवेलेबिलिटी जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इस ट्रेन की इस पर्टिकुलर कोच के लिए अवेलेबिलिटी है 002, जिसके लिए टोटल फेयर आपका बनता है 4480 रुपीज़। इसी में अब आपके पास कुछ पेमेंट ऑप्शंस हैं। पेमेंट ऑप्शंस में आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, भीम ऐप के थ्रू आप करना चाहते हैं, मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज किससे के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपके सुटेबल ऑप्शंस हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लेट से कि नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग में वो आपसे पूछेगा कौन सा बैंक, जो भी आपका बैंक है आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जब आप मेक पेमेंट पर जाएंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पर डाइवर्ट कर देगा जहाँ पर आप अपना लॉगिन करके अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं। ऐसे जो भी ऑप्शन यहाँ से पेमेंट का आप सर्च करेंगे उसके थ्रू आपको वो पेमेंट के लिए उस पर्टिकुलर गेटवे पर ट्रांसफ़र कर देगा, और जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा वैसे ही आपका जो टिकट है वो आपको बुक हो जाएगा। और बुक होने के बाद एक आपके पास मेल जाएगा, और दूसरी चीज़ आप इस बुक्ड टिकट हिस्ट्री में जा करके अपने सभी बुक टिकट्स को देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई टिकट बुक्ड है उस कंडीशन में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप कि आपको अब टिकट बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी अगर आपकी इस तरह की कोई क्वेरी है जिसके वीडियोस आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या रेलवे टिकट बुकिंग से भी रिलेटेड कोई इशू अगर आपके पास है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरा ये चैनल देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं।